टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5th, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन है। इससे पहले हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन स्टडी किया था, जो कि था प्लानिंग। प्लानिंग में क्या था कि हम उसमें डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किसके थ्रू किया जाना है। ठीक है, तो प्लानिंग करने के बाद मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो हमने प्लान की है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देख लीजिए, इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग। ये रेफर करता है, क्या रेफर करता है, ये कि हम हर एक चीज़ को अरेंज करते हैं, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में लाते हैं, इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो भी उनके लिए एक्टिविटी होनी है उनको ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज किया जाता है, एक के बाद एक, स्टेप वाइज, कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड। क्या डिटरमाइन करती है ये, कि जो भी हमने प्लान किया है उसको डन करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड। और जो भी एक्टिविटीज़ हमने कंडक्ट करनी है उनको ग्रुप वाइज कैसे डिवाइड करना है, हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड। और ग्रुप डिवाइड कर देने के बाद सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को कैसे डेलीगेट करना है, एंड हु रिपोर्ट टू हुम। और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। इसमें ये डिफाइन कर दिया जाता है कि अपना काम ख़त्म होने के बाद पर्सन किसके पास जाके अपने काम की रिपोर्ट देगा, अगर उसके पास सजेशंस हैं तो वो इसके बारे में किसको बताएगा। तो इसमें ये क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट देगा। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम हर एक चीज़ को ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करते हैं कि पहले हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी जब तक उसमें ऑर्गेनाइजिंग सही ढंग से ना की गई हो। अब है इसके फीचर्स। द फर्स्ट वन इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें सबसे पहले काम हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में काम को डिवाइड करते हैं, एंटायर वर्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फीचर है। अगर हम काम को डिवाइड नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले काम को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जितनी भी हमारी एक्टिविटी चल रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से एक्टिविटी चल रही होती हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का काम जो है वो एक दूसरे पे ही डिपेंड करता है। सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बेसिक वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट उनकी एक दूसरे की एक्टिविटीज़ एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है, तो उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। द थर्ड वन इज़ प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस। पर्संस की प्लुरैलिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे होते हैं एक साथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल इंडिविजुअल से नहीं चलती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों का ग्रुप माना जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की क्या फीचर है कि इसमें बहुत सारे पर्सन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वन इज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव मीन्स कि सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे होते हैं, बट जो भी वो काम कर रहे होते हैं उन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। बेशक उनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, बेशक उनकी एक्टिविटीज सारी अलग अलग तरीके से रन हो रही हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव सेम ही है। आगे, ऑर्गेनाइजेशन इज आ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मशीन माना जाता है किस चीज़ की, मैनेजमेंट की। ऑर्गेनाइजिंग को एक ऐसी मशीन माना जाता है जिसका कोई भी इल फिटिंग या फिर नॉन फंक्शनल पार्ट अफोर्ड नहीं किया जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम काम को अच्छे से डिवाइड नहीं करते हैं या फिर पोस्ट को अच्छे से क्रिएट नहीं करते हैं तो हमारा सारा मैनेजमेंट जो है वो कलैप्स हो जाएगा। तो आइए इसके फीचर्स को एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि ऑर्गेनाइजिंग में काम को बांटा जाता है, पूरे काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेशन, कि जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटी चल रही होती हैं वो सभी एक दूसरे के वर्क को इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसमें
सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। आगे प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत सारे लोगों का ग्रुप माना जाता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की मशीन माना जाता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को अच्छे से डिवाइड नहीं करते हैं या फिर पोस्ट को अच्छे से क्रिएट नहीं करते हैं तो सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा कलैप्स हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स के बाद अब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। प्रोसेस में हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग को कैसे डन किया जाता है। प्रोसेस हमेशा स्टेप वाइज डन की जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पूरे काम को हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट कि हमने अपनी कंपनी में मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा पूरा काम क्या है कि हमने मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना है। अब मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। परचेज़ करेंगे सबसे पहले, हम क्या परचेज़ करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, कुछ उसके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। प्रोडक्शन के बाद हम पूरा जितना भी हमारे पास माल अवेलेबल होगा उसको स्टॉक कर देंगे। उसके बाद रिसर्च का वर्क शुरू करेंगे, फिर हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसके बाद सेल होंगे। तो ये क्या हो गया कि हमारा काम था मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना, बट उस काम को हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो ये होता है, ये है ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। पूरे काम को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। द सेकेंड वन इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ बनाई हैं, उनको हमने एक डिपार्टमेंट में रख देना है, ठीक है। जैसे कि हमने पहली एक्टिविटी रखी थी कि हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल को, तो जो भी हमने परचेज से रिलेटेड वर्क करने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए हम एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। कौन सा डिपार्टमेंट होगा, वो परचेज डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर हमारे वर्क, हमारे जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन के लिए जितने भी वर्क होंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा पैसे से रिलेटेड वर्क रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क रहेगा या फिर अकाउंट से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा, वो हम सारा का सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में यही होता है, जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ बनाई है उनको हमने डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। डिपार्टमेंट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेकंड वन इज़ डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम काम को फंक्शनली डिवाइड कर देते हैं, पूरे काम को हम फंक्शनली डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क रहेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड रहेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। डिविजनल में क्या होता है, जब हमारी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, सपोज दैट कि हमारी कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रही है, एक वो मोबाइल फ़ोन भी बना रही है, वो टेक्सटाइल भी बना रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बना देंगे। एक मोबाइल का डिपार्टमेंट रहेगा, एक टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट रहेगा। परचेज सेल फाइनेंस जितने भी वर्क रहेंगे वो एक मोबाइल डिपार्टमेंट के अलग रहेंगे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अपने वर्क रहेंगे। तो ठीक है ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन कितनी तरह से होता है, दो तरीके से हो सकता है। फंक्शनल, जिसमें हम वर्क के अकॉर्डिंग डालते हैं, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में, और डिविजनल में हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो मोबाइल फ़ोन के डिपार्टमेंट में, टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो टेक्सटाइल डिविजनल डिपार्टमेंट में। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमारा काम भी डिवाइड हो गया है, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ भी डिसाइड हो गई हैं, उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट वाइज भी डिवाइड कर दिया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ड्यूटी सेट कर देंगे, ठीक है, पोस्ट निकाल देंगे, और पोस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस भी तरीके से जो भी पर्सन उसके कैपेबल रहेगा
जिस भी पोस्ट के कैपेबल रहेगा उसको वहाँ पे उसकी ड्यूटीज देंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा पर्सन कितनी कैपेबिलिटी रखता है, किस वर्क के लिए कैपेबिलिटी रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। परचेज मैनेजर अगर होगा तो वो परचेज से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो सारे देखेगा। सेल्स मैनेजर जितने होगा वो सेल्स से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से हम पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर देते हैं, सबकी ड्यूटीज सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, उनमें रिपोर्टिंग रिलेशन सेट करते हैं। उसमें हम ये जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। अगर उनको यही नहीं पता होगा तो ऐसे में कोई भी वर्क सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो इस स्टेप में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन किसका सुपीरियर रहेगा और कौन सबॉर्डिनेट रहेगा। जैसे कि परचेज मैनेजर होता है जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेड होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ के वर्क रहेंगे उनकी रिपोर्ट वो जाके परचेज मैनेजर को देंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशन डन किया जाता है। इसमें ये बता दिया जाता है कि कौन सा पर्सन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। तो आइए एक बार और इसको रीड आउट कर लेते हैं प्रोसेस को, कि सबसे पहले इसमें काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, उसको फंक्शनल के अकॉर्डिंग और डिविजनल के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बना देते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम सबको उनकी रिस्पॉन्स हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं और पोस्ट पे उसे रिलेटेड स्टेबल या फिर कैपेबल पर्सन की वहाँ पे ड्यूटी सेट कर देते हैं। फिर उनको हम उनके रिपोर्टिंग रिलेशन बता देते हैं कि कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट रहेगा। थैंक्स।